परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान किया जा रहा है। परेड निरीक्षण का आग्रह किया माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने। परेड कमांडर के आग्रह श्री अमित शाह वॉज बॉर्न टू श्रीमती कुसुमबेन एंड श्री अनिल चंद्र शाह इन अ गुजराती फैमिली ऑन 22 अक्टूबर 1964। पचानी ने राष्ट्र रक्षा के सर्वोच्च बलिदान दिया। इनके द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस श्री राम किशन सहायक कमांडेंट। और अब माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सर्वश्रेष्ठ एलडब्ल्यू बटालियन की ट्रॉफी दी जा रही है 60 बटालियन को। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे श्री आनंद कुमार कमांडेंट 60 बटालियन। 60 बटालियन वर्तमान में झारखंड के चाईबासा में तैनात है और वर्ष के दौरान इन्होंने सर्वाधिक अभियान चलाया है और आज सर्वश्रेष्ठ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑपरेशनल बटालियन की ट्रॉफी। और अब जम्मू कश्मीर क्षेत्र में तैनात सर्वश्रेष्ठ बटालियन की ट्रॉफी दी जा रही है 178 बटालियन को। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे श्री सुरजीत कुमार कमांडेंट 178 बटालियन। दर्शकों से अनुरोध है जोरदार तालियां बजाते रहें। देश के अलग अलग भागों में तैनात नक्सलवाद आतंकवाद और विद्रोहवाद से दिन रात लोहा ले रही सीआरपीएफ की बटालियनें सीआरपीएफ के कार्मिक और आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सम्मानित होने का अवसर। और इसी क्रम में सर्वश्रेष्ठ कोबरा की ट्रॉफी दी जा रही है 205 कोबरा को। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे श्री कैलाश कमांडेंट 205 कोबरा। 205 कोबरा वर्तमान में बिहार के गया क्षेत्र में तैनात है और वर्ष के दौरान सर्वाधिक सफल अभियान हेतु इन्हें सर्वश्रेष्ठ कोबरा वाहिनी की ट्रॉफी दी गई है। और अब बतौर मुख्य अतिथि आज की इस परेड में अपनी उपस्थिति गरिमा में उपस्थिति हेतु उत्कर्ष का आभास हो, मानो ना मानो सत्य है, तुम स्वयं में इतिहास हो, तुम स्वयं में इतिहास हो। और अब परेड कमांडर के आह्वान पर
सभी कंटिजेंट कमांडर्स मुख्य अतिथि महोदय से परिचय के लिए मंच की ओर अग्रसर। Viewers, in the All India Buddhist Band competition, the RBMC has won the overall championship under the supervision of Sri Pramod Kumar Yadav, Commander, Manager, Central Band. तिरासीवें सीआरपीएफ स्थापना दिवस का जम्मू के अनुवन एमएम स्टेडियम में जो रगारंग कार्यक्रम हुआ उसका समापन हो गया है। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जो थे वो मौजूद थे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, उसके साथ एमओएसपीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उसके साथ तमाम डिग्निटरीज जो है मौजूद थे। साफ तौर पर ये शुरुआत हुई है। अब हर साल कहीं ना कहीं किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जो है वो जिस तरह से जो स्थापना दिवस है वो सीआरपीएफ का मनाया जाएगा, शुरुआत हुई है। इससे पहले लगातार दिल्ली में ही ये हेडक्वार्टर में ये मनाया जाता था, लेकिन अब यहाँ से शुरुआत कर दी गई है ताकि जो आम जनता है उसको पता चल सके कि सीआरपी का किस तरह से योगदान देश के प्रति रहता है। और जिस तरह से अमित शाह ने कहा भी कि बड़े दंगे कंट्रोल करने में, जो निष्पक्ष चुनाव कराने में और देश में जो विकास हो रहा है उसकी प्रगति में सीआरपीएफ का अहम जो योगदान है, उसी के तहत सीआरपीएफ जो है वो लगातार काम करती भी रहती है। और उन्होंने शुभकामनाएं भी दी और साफ तौर पे जम्मू कश्मीर में चाहे अमरनाथ यात्रा हो या फिर जो यहाँ की स्थिति को सामान्य करने की बात हो, 1990 के दशक से ही जो हालात बने हैं उसको स्थिर करने में जो सशस्त्र सीमा जो सेनाओं का जो है जो एक पूरा योगदान है उसको भी उन्होंने उसकी सराहना की और यही कहा है कि युवा इससे जुड़े ज़्यादा इसी के प्रयास में हम रहेंगे। वर्जन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, स्टेट टाइम्स जम्मू।